अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं और वो चीज़ें क्या हैं मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला आज का व्लॉग गाइस। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, होमी भाभा कैंसर अस्पताल है अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। ये एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है। थोड़ा ये लोग आ गए हैं और ये लोग बताएंगे कुछ अवेयरनेस की बातें, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं आप लोगों से शेयर करूंगी गाइस। ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है, हमारे स्कूल की क्लास है, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था होना अभी की सिचुएशंस के हिसाब से। बता रही है कि ओरल कैंसर क्यों होता है इसके बारे में। टबैको का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं देते हम आपको, कुछ कोई क्वेश्चन है हम अपना सभी बात बता देते हैं। तो बहुत जैसे कोई आगे बोलता नहीं, अगर टबैको यूज किया तो आप मान के चलिए कि आप में इंसिडेंस आगे चलिएगा तो इंसिडेंस समझ में आएगा, आप में चांस है कैंसर होने का, ठीक है। आप किसी 95% उसमें एक वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर में एक वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। बात फर्मा या जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे जाके बोलिएगा कि सर मैम हमको चाहिए, तो वो अपना नाम लिख के आपको वैक्सीन दे देंगे। ये बात घर पे आपको जाके होता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे कोई भी कार्सिनोजेन है ना, जो हमारा सारा है ना, हमको ये जो 10 साल है ना और 1 साल के बीच में यही आपको पकड़ लेना है कैंसर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पकड़ते हैं ना तो ये है। जैसे कि सर बता रहे हैं कि बायोप्सी से कैंसर नहीं बढ़ता है, लोगों के जहन में बस ये चीज़ें होती हैं कि बायोप्सी से कैंसर बढ़ जाता है। उन्होंने HPV वायरस के बारे में बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण है। सर कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बता रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है कि कैंसर की क्या वजह है। आप मेरा एक बार स्क्रीनिंग कर दीजिए।